मुजफ्फरपुर में शुक्रवार की रात कांटी थाना क्षेत्र के एनएच 27 छपरा काली मंदिर के समीप बेखौफ अपराधियों ने एक और वारदात को अंजाम दिया। आईटीआई असिस्टेंट के पद पर पूर्वी चंपारण के तितरिया ब्लॉक में कार्यरत दीपक कुमार, जो काम से लौटकर अपने घर जा रहे थे, इसी बीच अज्ञात अपराधियों ने गोली मार दी। स्थानीय लोगों ने आनन फानन में घायल दीपक को दामोदरपुर के समीप स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। मौत की सूचना मिलते ही परिजनों के बीच मातम छा गया। घटना की सूचना पाकर डीएसपी पश्चिमी अभिषेक आनंद और काटी थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन में जुट गई है। जानकारी के अनुसार दीपक कुमार को एक गोली लगी थी, जो हाथ से होते हुए सीने में जा धंसी थी। डीएसपी अभिषेक आनंद ने बताया कि घटना के कारणों का अभी स्पष्ट पता नहीं चल पाया है। मौके से मृतक का बैग और बाइक बरामद कर लिया गया है, लेकिन उनका मोबाइल फोन गायब है। दीपक कुमार मोतीपुर के रहने वाले थे और वर्तमान में काटी थाना क्षेत्र के बैरिया फील्ड के समीप अपना मकान बना रहे थे। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि हर एंगल से जांच की जाएगी। ना पढ़िए ना, बाबा आपका जूता नहीं आ रहा है। फ़ोन पर मिला कि उनको गोली लग गया है, तो हम आए हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में आकर के देखे तो यहाँ पर देख रहे हैं कि उनको गोली लगा हुआ है, गोली बाजू में लग करके सीना में। कितनी गोली लगी है? अब गोली तो पता नहीं चला, लेकिन डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि गोली लगी है। कहाँ से आ रहे हैं? ये ड्यूटी पर से वापस हो रहे थे। तेतरिया से वापस हो रहे थे, मोतीपुर होकर के वापस हो रहे हैं। कहाँ जा रहे थे? डेरा आ रहे थे अपने। कहाँ पर? डेरा यहाँ बैरिया फील्ड में पड़ता है। अकेले थे यार, वो कुछ था? अभी इन्हें बता पाएंगे, जानकारी नहीं है मुझे। लूटूट की भी कुछ घटना हुई? नाम क्या है इनका? इनका नाम ऐसे चंदन बोलते हैं, लेकिन दीपक कुमार ऐसे पेपर। एज कितना होगा? एज वही 35। क्या क्या चीज़ में काम करते हैं? ब्लॉक में काम करते हैं। ब्लॉक में सरकारी? जी हाँ, दीपक कुमार। चिंताई वगैरह में कुछ हुआ है क्या? ये हम नहीं बता पाएंगे, ये प्रशासन ही बता पाएंगे। ये अब उनके होश आने पर पता चलेगा क्या बात। रहने वाले हैं मोतीपुर के बगल में गांव पड़ जाता है, मुसहरी। मुसहरी गांव के? जी। शादी इनकी हो गई? जी हाँ, शादी हो गई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पंकज कुमार। आप कौन हुए? रिलेशन में मेरा भतीजा लगे हुए। काली मंदिर के पास जो हाईवे पे पड़ता है, यही एनएच पे पड़ता है, वहाँ पे एक आदमी जिनका नाम दीपक कुमार है, बाइक से वहाँ से संभवतः कथैया साइड इधर पड़ रहे थे पुलवा साइड, वहाँ पे उनको एक गोली लगी है, जो गोली लगने के तुरंत बाद थाना वहीं नज़दीक में ही था, तो थाना तुरंत उनको उठा के उनको इलाज करवाने के लिए यहाँ गैलेक्सी हॉस्पिटल लाया गया। ये घटना लगभग 8:30 बजे के आसपास की रात की है। गैलेक्सी हॉस्पिटल लाया गया, जहाँ उनको इलाज करवाया गया, जहाँ इलाज के दौरान उनकी कुछ देर पहले मृत्यु हो गई। अभी तक जो निकल के आया है उसमें यह है कि उन्हें एक गोली अभी तक जो है वो एक गोली लगी थी, जो कि जिससे कि उनकी मृत्यु हुई। वो तेतरिया ब्लॉक में, जो कि मोतिहारी में पड़ता है, वहाँ पे वो आईटी असिस्टेंट का काम करते थे और ब्लॉक में, और ये कथैया के रहने वाले थे, और इनका एक घर कोलुहा अहियापुर में भी है, जहाँ पे वो अभी जा रहे थे। अभी तक के इससे इनके पास एक लैपटॉप बैग भी था, जो कि अभी घटनास्थल पर ही हमें मिला, और इनकी बाइक भी घटनास्थल पर मिली है। मोबाइल इनका घटनास्थल पे नहीं मिला है। हम लोग तकनीकी और मानवीय संकलन कर रहे हैं और जल्द से जल्द इस घटना का उद्भेदन कर रहे हैं। अभी तक कुछ ऐसे निकल के नहीं आ रहा है, चूँकि इनका लैपटॉप और इनका जो ये बाइक है, ये सब तो घटनास्थल पे ही मिली है, पर मोबाइल नहीं मिल रहा है। बाकी अभी हम लोग और इनके घर वालों से पूछेंगे, और अगर ये कुछ लेके आ रहे होंगे
तो उससे इनका इसका मोटिव निकल गया है। दूसरा इनका फ़ोन नंबर मिल गया, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं, तो अगर कुछ और भी बात होगी जिससे जैसे कि किससे इन्होंने बात की होगी, कहाँ गए होंगे, तो उससे हमें और कुछ उद्भेदन करने में मदद मिलेगी। विवाद वाद का कोई बात सर? अभी तक हमने चूँकि अभी जस्ट कुछ देर पहले ही उनकी मृत्यु हुई है, तो अभी हम पूछताछ शुरू हमने किया है, तो अभी तक ऐसा कुछ निकल के नहीं आया, लेकिन जल्द से जल्द इस कांड में हम लोग पता कर लेंगे क्यों हुआ और उद्भेदन करके जल्द से जल्द इसका इस कांड को हम लोग डिटेक्ट कर लेंगे।